हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सेवेंथ पे कमीशन से रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। नई सरकार बन गई है और जो सेवेंथ पे कमीशन से रिलेटेड जो पेंडिंग डिमांड्स है वो धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा। तो हम बात करेंगे कि अभी कौन सी जो पेंडिंग सेवन पे कमीशन से रिलेटेड जो अपडेट था वो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश ही ऐसा स्टेट रह गया था, बेसिकली हम स्टेट गवर्नमेंट सेवन पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या स्टेटस है इस समय। तो अभी जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है और उन्होंने जो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर्स हैं उनका सेवन पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो डीए है वो 3% बढ़ा दिया है। ऑब्वियसली बाकी जगह बढ़ गया था, सिर्फ मध्य प्रदेश में रह गया था। तो अब जो मध्य प्रदेश के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डीए 12% के हिसाब से मिलेगा और जो एरियर मिलेगा वो जनवरी से मिलेगा, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है ये जनवरी 2019 से की गई है। अगर हम बात करें डीआर की, जो डीयरनेस लीव था वो बेसिकली जो है लोकसभा चुनाव से पहले इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अभी जो है आज ही जो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डीए इम्प्लीमेंट हुआ है और सेम उसी उन्हीं अकॉर्डेंस हुआ है जैसे कि पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हुआ था। शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हुई थी और एक एक करके बहुत सारे स्टेट में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था और अभी जो लेटेस्ट जो है मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कमेटी गठित की गई है और जो मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर है उसको जो है पूरा कमेटी जो है उसके ऊपर किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है उसका एक प्रोसेस जो है बनाने में लगी हुई है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है हम उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट अभी जो है इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मध्य प्रदेश स्टेट, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी जो है 12% का डीए मिल गया। तो बट ऑब्वियस जो है सैलरी इंक्रीमेंट है, एरियर भी मिलेगा। दोस्तों, ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।